नमस्कार दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों यहाँ पे लिखा है मृग क्या लिखा है मृग यानी म में री की मात्रा है क्या है म में री की मात्रा और ग क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग मृग यहाँ पे ये देखेंगे ये लिखा है रू रू देखिए रू रू ये रा में क्या है छोटी उ की मात्रा है में यदि बड़ी की मात्रा रहता तो ऐसे रहता गोल करके देखिए बड़ी ऊ की मात्रा में ऐसे गोल रहता है छोटी ऊ की मात्रा में केवल ऐसे खींचा हुआ रहता है ना तो ये र में छोटी ऊ की मात्रा है बहुत सारे दोस्त इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पे बड़ी ऊ का कहाँ पे छोटी ऊ का लगेगा और किस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा दोस्तों आज की इस क्लास में इस कहानी के माध्यम से ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना और लिखना दोनों सिखाने वाला हूं बहुत ही मजेदार कहानी है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे लिखा है मनुष्य देखिए म न में क्या है छोटी की मात्रा और ये आधा मूर्धन्य क्या पढ़ेंगे मनुष्य ठीक है इस तरीके के बहुत सारे शब्द आपको मिलने वाले हैं इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को करके, कर तो आइए यहां से हम लोग एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ते हैं एक समय की बात है एक समय की बात है जब एक रूरू मृग हुआ करते थे मृग का नाम है रूरू मृग हुआ करते थे इस मृग का रंग सोने की तरह बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी जो वो रूरू नाम के मृग हुआ करता था उसका नाम उसका रंग जो था सोने की तरह उसके बाल जो थे रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी ठीक ना चलिए यहां से हम लोग पढ़ते हैं रूरू मृग किसी के भी मन को मोह लेता था वो जो मृग था किसी के भी मन को मोह लेता था यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था यह जो मृग था अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य तरह बात कर सकता था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है रूरुमृग जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था एक दिन रूरु मृग जंगल में सैर कर रहा था एक दिन रूरु मृग जंगल में सैर कर रहा था लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनता है तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज सुनता है जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है जब वह मौके पर पहुंचता है तो नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है और डूबते व्यक्ति को उसकी पैर पकड़ने की सलाह देता है लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर और मृग के ऊपर ही बैठ जाता है अगर मृग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है बाहर आते ही व्यक्ति मृग को धन्यवाद कहता है तो इस पर मृग कहता है अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बताया यहां पे होगा बचाया है तो तुम्हें यह किसी को नहीं बताना होगा कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है मृग ने उसे कहा अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वो सॉरी वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे यदि मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वो मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे यह कहकर मृग जंगल में चला जाता है कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रूरुमृग दिखाई देता है रूरुमृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है इसके बाद रानी राजा को रूरूमृग को ढूंढकर लाने के लिए कहती है राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रूरू मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और दस सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी उसे एक गांव और दस सुंदर युवतियां लड़कियां इनाम में दी जाएंगी राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मृग ने बचाया था वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रूरू मृग के बारे में राजा को बताता है राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ता है जंगल में पहुंचते सॉरी पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं जब राजा मृग को देखता है तो खुशी से फूले नहीं समाता क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था मृग चारों ओर से सिपाही से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाढ़ साधे हुए था लेकिन तभी मृग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है हे hey राजन तुम मुझे मार देना लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया इस पर राज राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान मृग ने बचाई थी उस व्यक्ति को देखकर मृग कहता है निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से ना निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को अकृतज्ञ अकृतज्ञ इंसान को जब राजा ने मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशान कर दिया यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की यहां पे लिखा प्रार्थना देखिए प में क्या है पदेन र और आकार प्रा फिर था के ऊपर रेफ की मात्रा और ना प्रार्थना की मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल लौट गया और फिर वापस जंगल लौट गया इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए चाहे वह इंसान हो या जानवर चाहे वह इंसान हो या जानवर सही बात है दोस्तों यदि आपके ऊपर कोई एहसान करता है तो आप उसके एहसान को कभी नहीं भूलें क्योंकि हो सकता है कि फिर आपके ऊपर उसकी एहसान की आवश्यकता पड़ जाए और उस समय वो आदमी आपका मदद नहीं कर पाएगा जिसके चलते आपकी बहुत बड़ी हानि हो सकती है आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों कभी भी आपके प्रति जो भी दया भावना रखता है उसके प्रति आपको भी रखना चाहिए तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे पहली बार है या पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं हैं जाएगा क्लास में जय हिंद